सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि सर कटाने की जो तमन्ना, जो चाहत हमारे दिल में है, क्या हमें झुकाने वालों में भी उतनी ताकत है जो हमें झुका सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज भारत के राष्ट्रपुत्र शहीद आजम भगत सिंह की कहानी। उनकी कहानी किसी फिल्मी से कम नहीं है, हालांकि उस पर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन आज मैं आपको कम समय में उनकी पूरी कहानी बताने वाला हूँ। ये कहानी आपके दिलों में आग लगा देगी। शुरुआत करेंगे उनके जन्म से। सरदार भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को बावली नामक गांव के लायलपुर जिले, जो कि अब पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर हुआ था। और उनकी माता का नाम विद्यावती और उनके पिता का नाम किशन सिंह था। उनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। परिवार के माहौल का भगत सिंह पर बहुत बड़ा असर पड़ा। उनकी नसों में देशभक्त की भावना कूट कूट कर भर गई थी। उनकी बचपन की एक कहानी है, जब उनके पिता आम लगा रहे थे और उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि ये आम हम लगा रहे हैं और ये बड़ा होगा तो इसमें बहुत सारे आम का फल होगा। ये देख के भगत सिंह उसके दूसरे ही दिन एक बंदूक अपने खेतों में बो रहे थे। और जब वहाँ उनके पिताजी पहुँचे, उनसे पूछे तो क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि जैसे आप आम बो रहे हैं उसमें आम लगेगा, उसी तरह से मैं बंदूक बो रहा हूँ और इसमें बंदूक लगेगा, ताकि मैं अंग्रेजों को भारत से भगा सकूँ। अगर बात करें उनकी शिक्षा की, तो DAV विद्यालय जो कि लाहौर में स्थित है, वहाँ पर पढ़ते थे। और 1916 मात्र 9 वर्ष की आयु में उनकी पहचान जाने माने राजनेता लाला लाजपत राय और रास बिहारी से हो चुकी थी। उस समय पंजाब राजनीतिक रूप से काफ़ी उत्तेजित हुआ करता था। बात है 13 अप्रैल 1919, जब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। उस हत्याकांड में लोग अपनी जान बचाकर कुआं में कूद गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने कुएं के अंदर भी गोलियां चलवा दी थी। और हत्याकांड के दूसरे दिन भगत सिंह जलियांवाला बाग जाते हैं और वहां से कुछ मिट्टी, जो कि खून से भरी मिट्टी थी, उसको एक बोतल में निशानी के तौर पर रख लेते हैं। और इस हत्याकांड ने उनके अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकने के संकल्प को और पक्का कर दिया था। फिर समय बीतता है उसके 2 साल बाद, जब उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी। 1921 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान कर दिया। और ये देखते हुए भगत सिंह खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन भारत में काफ़ी अच्छे से सफल हो रहा था। लेकिन उसके मात्र 1 वर्ष बाद 1922 में चौरा चौरी कांड, जो कि गोरखपुर में हो जाता है। आंदोलनकारियों ने असहयोग आंदोलन के ही रास्ते पर चलते हुए वहाँ पे अंग्रेजी शराब की दुकान और कपड़ों की दुकान को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और पुलिस वालों ने उन पर गोलियां चला दी और 4-5 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन पुलिस की गोली जब खत्म हो जाती है, तो उग्र प्रदर्शनकारी थाने में घुसकर पूरे थाने को ही जला देते हैं, जिसमें 17 से 18 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। ये देखते हुए गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस करने का फैसला कर लिया। ये देख के भगत सिंह बहुत ही निराश हुए। अहिंसा से उनका विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र उपयोगी रास्ता है। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ किया तथा क्रांतिकारी दलों के सदस्य बनते चले गए। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश ले लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था और यहाँ पर वह भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में भी आ गए। फिर समय आता है 1925, जब क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए काकोरी कांड को अंजाम दिया था, और इस काकोरी कांड में अंग्रेजों द्वारा जा रही पूरी ट्रेन को ही लूट लिया गया था और सफलतापूर्वक इस कांड को अंजाम दिया था। लेकिन इसमें कई क्रांतिकारी पकड़े गए, जिसमें अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह जैसे महान वीरों को फांसी की सजा हो गई, बाकी अन्य को आजीवन कारावास भी हो गया। जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी दुखी हो गए थे। फिर उनकी मुलाकात होती है सरदार भगत सिंह से,
फिर दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। इसका प्रमुख उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में गणतंत्र की स्थापना करना। फिर भगत सिंह ने क्या किया कि दशहरा ग्राउंड में बम फेंक दिया और वहां पर पर्ची भी बहुत सारी बांटी लोगों को अपने साथ जुटाने के लिए। लेकिन इस बम कांड के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद फिर 60,000 रुपये पे इनकी जमानत ली गई। आप सोच सकते हो उस समय 60,000 कितना अधिक था, लेकिन फिर भी क्रांतिकारियों ने, जिसमें लाला लाजपत राय प्रमुख थे, सब ने मिलकर धन इकट्ठा किया और भगत सिंह को जेल से फिर आज़ाद करवाया। फिर समय आता है 1928, जब इंग्लैंड से साइमन कमीशन नामक एक आयोग भारत के दौरे पर आया। उसके भारत दौरे का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों की स्वायत्तता और राजतंत्र में भागीदारी, पर इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध करने का फैसला लिया और सभी लाहौर में पहुंच गए और वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाना शुरू कर दिए, लेकिन उसमें आंदोलनकारियों पर क्रूरतापूर्वक अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। लेकिन इस लाठीचार्ज में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ लाला लाजपत राय को गहरी चोट लग गई, फिर हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस मृत्यु के बाद सरदार भगत सिंह काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट को, जो कि मौत का जिम्मेदार वही था, उसको मारने का फैसला कर लिया। मतलब लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का प्लान चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोगों ने बना लिया। फिर उसके बाद वो समय भी आता है जब इन सब ने मिल के उसके ऑफिस के सामने उसका इंतज़ार करने लगे, लेकिन गलती से उसके बजाय सहायक अधीक्षक सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर इन सब ने उस पर गोली चला दी और उसको वहाँ मौत के घाट उतार दिया। हालांकि वो भी एक ब्रिटिश ऑफिसर था और ये लोग उसके जश्न में एक पर्चा छपाया और उसमें लिखवा दिया कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया, और इसको गली गली मोहल्ले में हर जगह छपवा दिया। और ये देखकर ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी उस समय, क्योंकि पहली बात तो एक बड़े ऑफिसर को मारा, उसके बाद इसके बदला लेने का पर्चा भी हर जगह छपवा दिया। इससे कड़ी सुरक्षा लगा दी गई और इनकी गिरफ्तारी के लिए पूरी ब्रिटिश हुकूमत लग गई थी। लेकिन फिर भी इन सब ने भेंस बदल कर, आपने सुना होगा कि सरदार भगत सिंह एक बार अपना भेंस बदल दिया था, अंग्रेजी स्टाइल में टोपी पहना और भगवती चरण की पत्नी जो कि दुर्गा भाभी, उनको भगत सिंह की पत्नी के रूप में बनाया गया और उनके साथ राजगुरु जो कि नौकर का भेंस रख के ये सब अंग्रेजों को चकमा देते हुए लाहौर स्टेशन से ट्रेन पर बैठे और वहाँ से कलकत्ता पहुँच गए और वहाँ पे मजदूरों के न्याय के लिए, जो कि उनके साथ अन्याय हो रहा था, भगत सिंह ने फिर प्लान बनाया और केंद्रीय असेंबली जो कि कलकत्ता उस वक्त राजधानी हुआ करती थी वहाँ पे स्थित था, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर एक हल्के बम का इस्तेमाल करके केंद्रीय असेंबली में इन सब ने बम फेंक दिया और वहाँ पर्चे भी उछाल दिए कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी है, जबकि वो चाहते तो वहाँ से भाग भी सकते थे भगत सिंह, लेकिन वहाँ से वो भागे नहीं, वहीं खड़े रहे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। मतलब जानबूझ के खुद की गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि वो चाहते थे, उस वक्त क्या था कि भगत सिंह को चाहने वालों की संख्या पूरे देश में बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी आंदोलन कम हो रहा था। भगत सिंह चाहते थे कि मुझे लोग प्यार करते हैं, अगर मैं मर जाता हूँ तो इसके गुस्से में जो क्रांति है वो और ज़्यादा उग्र हो जाएगी। बस इसी की चाहत में एक युवा, मात्र 22 साल का युवा, जो कि खुद की गिरफ्तारी दे देता है। इतनी कम उम्र में वो गिरफ्तारी अपने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि भगत सिंह के सामने एक विकल्प था, वो माफ़ीनामा अपना पेश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना माफ़ीनामा पेश नहीं किया। 2 साल तक वो जेल में रहे और वहाँ भी उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। जेल की जो अंदर की जो स्थिति थी काफ़ी ख़राब थी, इसके खिलाफ वो आमरण अनशन पर बैठ गए और 64 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए वो आमरण अनशन पर बैठे थे। उनके साथ एक क्रांतिकारी जिनका नाम यतीन दास था, वो भी आमरण अनशन की वजह से वहाँ जेल के अंदर ही शहीद हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने उनकी मांगें भी मान ली। भगत सिंह और उनके 2 साथी राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन
पूरे देश भर से लोग लाहौर के बाहर इकट्ठा होने लगे और उनके बचाने की चर्चा पूरे देश भर में होने लगी। इस वजह से अंग्रेजों ने फैसला किया कि उसके एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को ही उनकी फांसी दे दी जाए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब सूर्योदय से पहले फांसी वैसे दी जाती है, लेकिन इन तीनों को शाम के समय ही फांसी देने का फैसला कर लिया गया। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है, तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से तो मिल ले। फिर एक मिनट बाद वह किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। और फांसी पर जाते हुए तीनों क्रांतिकारी एक गाना गा रहे थे जो था, मेरा रंग दे बसंती चोला, आपने सुना होगा। और तीनों हंसते हंसते फांसी तक पहुंचे और तीनों से जब उनकी और आखिरी इच्छा पूछी गई तो तीनों ने एक दूसरे से गले मिलने का इच्छा जताई और उनसे ये इच्छा पूरी की गई। तीनों ने गले मिले और हंसते हंसते उन तीनों ने फांसी के फंदे को चूमा और हंसते हंसते अपने गले में उन फांसी के फंदों को डाल लिया। दोस्तों, सरदार भगत सिंह बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उनको हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बंगला भी आती थी। वो जेल के अंदर ही 3000 से अधिक पन्ने लिख डाले थे और 300 से अधिक किताबें जेल के अंदर ही पढ़ डाली थी। वो गीता भी पढ़ते थे और विवेकानंद की फ़ोटो अपने जेब में लेकर चलते थे, जबकि वो खुद को नास्तिक भी कहते थे। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए तथा फांसी देने के बजाय उन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। भगत सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में इस देश के लिए बलिदान हुए थे और इतनी ही उम्र में उन्होंने कई सारे इतिहास बना दिए। तो ये कहानी थी भारत के राष्ट्रपुत्र और शहीद आजम सरदार भगत सिंह की। अगर आप भी चाहते हो कि सरदार भगत सिंह को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शहीद और राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिया जाए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर ऐसी किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।